आज हम बात करेंगे डेंगू फीवर की प्रिवेंशन की, जो कि हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी कि डेंगू वायरस क्या होता है, इसकी इलामतें क्या होती हैं, इसे डायग्नोज कैसे किया जाता है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। और आज हम पार्ट टू में बात करेंगे कि डेंगू वायरस से कैसे बचा जाए, यानी इसका प्रिवेंशन क्या होता है, क्योंकि जो एहतियात होती है वो इलाज से बेहतर है। तो तीन पॉइंट्स पर बात करेंगे, तीनों मेन पॉइंट हैं। अगर आप उन तीनों पॉइंट्स पर अमल करते हैं तो आप काफ़ी हद तक महफूज हैं डेंगी वायरस से। हमारा जो पहला पॉइंट है वो ये है कि सबसे पहले तो आपने मॉस्किटोज़ की ग्रोथ को रोकना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो डेंगी वायरस होता है ये मॉस्किटोज़ एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने इन मॉस्किटोज़ की ग्रोथ को रोकना है। और हर मच्छर ये बीमारी फैलाता भी नहीं है, एक ख़ास किस्म का मच्छर होता है जिसे एडीज़ कहा जाता है, वो जो है वो डेंगी वायरस को एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल करता है। तो हम इनकी ग्रोथ को कैसे रोक सकते हैं? ये जो डेंगी फीवर होता है इसकी लहर जो है अमूमन साल में एक बार आती है, और ये तब आती है जब मानसून चल रहा होता है, क्योंकि जब भी बारिशें होती हैं तो गली मोहल्लों में सड़कों पर पानी होता है, सीवरेज लाइन का पानी होता है, गंदगी होती है, तो इस वजह से मॉस्किटोज़ ग्रो कर जाते हैं। तो इनकी ग्रोथ को रोकने के लिए सबसे पहले तो आपने अपने घर के आसपास पानी जमा होने नहीं देना। सीवरेज का पानी हो या बारिश का पानी हो, कोई भी पानी हो, आपने इस बात का बहुत ख्याल रखना है और सफाई रखनी है। और इसके अलावा आपने अपने घर में भी खुला पानी नहीं छोड़ना। जब भी आपने पानी रखना है उसे ढाम कर रखना है, क्योंकि ये जो एडीज़ मॉस्किटोज़ होते हैं ये साफ़ पानी में भी ग्रो करते हैं। तो इसलिए आपने कभी भी अपने घर के अंदर भी पानी को खुला नहीं छोड़ना, हमेशा ढाम कर रखना है। तो इस तरह जब आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आपके घर के आसपास या आपके घर के अंदर एडीज़ मॉस्किटोज़ जो हैं वो ग्रो नहीं कर सकेंगे। तो ये है हमारा पहला पॉइंट। फिर जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आपने अपने घर के आसपास तो मॉस्किटोज़ की ग्रोथ रोक दी, लेकिन मॉस्किटो तो और भी कहीं से आ सकते हैं। तो उसके लिए आपने ये करना है कि आपने चंद बातों का ख्याल रखना है जिससे आप बच सकते हैं। नंबर वन तो ये है कि जो एडीज़ मॉस्किटो होते हैं ये हर वक्त नहीं निकलते, ये अमूमन सुबह निकलते हैं जब सूरज निकलता है और उसके 2-3 घंटे तक एक्टिव होते हैं। उसके बाद ये कहीं छुप कर बैठ जाते हैं, और फिर जब सूरज ग़ुरूब होने वाला होता है ये तब निकलते हैं। तो सुबह के आप 2 से 3 घंटे निकाल लें, और शाम को अगर आप 2 से 3 घंटे एहतियात कर लें तो आप काफ़ी हद तक सेफ़ हैं, क्योंकि ये एक प्राइम टाइम होता है जब ये मॉस्किटोज़ निकलते हैं। इसके अलावा अगर आप ओपन प्लेस में सोते हैं, खुली जगह पर सोते हैं, घर में सेहन में सोते हैं, तो फिर तो आपने बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि जैसे ही सूरज निकलता है ये मच्छर एक्टिव हो जाता है। तो आपने या तो नेट्स इस्तेमाल करने हैं ताकि आप इनसे महफूज रह सकें, या आपने लोशन इस्तेमाल करने हैं, मॉस्पिल या इस किस्म के, जिससे आप इनसे महफूज रह सकें। और अगर आप इंडोर सोते हैं, रूम के अंदर सोते हैं, तो आपने अगर ज़रूरत नहीं है तो विंडोज़ को खुला नहीं छोड़ना, अगर ज़रूरत है तो आप नेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपको इंडोर भी इस्तेमाल करना चाहिए वो लोशन वग़ैरह अगर आपकी कम्युनिटी में वायरस फैला हुआ है तो। और इसके अलावा जो एक और बात है कि अगर आपकी कम्युनिटी में वायरस फैल चुका है तो आपने जितना हो सके ख़ुद को ढाम कर रखना है, आपने फुल स्लीव्स पहननी है और जितना मुमकिन हो अपने आप को ढाम कर रखें, क्योंकि अगर आप अपने आप को ढाम कर रखेंगे तो आप काफ़ी हद तक महफूज हैं डेंगी वायरस से। और फिर जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो ये है कि आपने कभी भी इलामतों को इग्नोर नहीं करना होता। अगर आपको फीवर आ रहा है, 2 दिन से आ रहा है या 1 दिन से भी आ रहा है, आप पैरासीटामोल लेते हैं तो ठीक हो जाता है और कुछ देर बाद दोबारा आ जाता है, तो आपने इसे इग्नोर नहीं करना। आप फौरन किसी भी करीबी डॉक्टर से कंसल्ट करें,
क्योंकि ये जो बीमारी होती है डेंगी वायरस, ये अमूमन इतनी ख़तरनाक नहीं होती, 2 से 7 दिनों में ठीक हो जाती है। लेकिन अगर आप इसे इग्नोर करेंगे तो हो सकता है फिर आपको हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ जाए। और ये सिर्फ डेंगी के लिए नहीं है, अगर आपको कोई भी सिम्टम आ रहा है, काफ़ी लंबे टाइम से आ रहा है, 2 दिन से 3 दिन से, तो आपको उसे इग्नोर नहीं करना, क्योंकि वो सिम्टम किसी बीमारी का सिम्टम है जिसका इलाज करवाना आपके लिए ज़रूरी है। तो इन 3 पॉइंट्स पर अगर आप अमल करते हैं तो पहले तो आपको डेंगी फीवर होगा ही नहीं, और अगर होता भी है तो वो जल्दी डायग्नोज हो जाएगा और आप घर पर ही ठीक हो सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप किसी और मेडिकल टॉपिक पर या किसी और डिज़ीज़ पर वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।